नमस्कार, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। गाइस, आज हम लोग देख रहे हैं 2D का क्वेश्चंस का जो सीरीज लेके चल रहे थे, पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था और आज हम लोग देखेंगे उसी पर कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं गाइस 2D सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे क्वेश्चंस आज का। तो क्वेश्चंस क्या कह रहे गाइस कि इफ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा यहां पर, इफ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 2π यूनिट एंड सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल इज m यूनिट, यह कह रहा है, देन एरिया ऑफ रोम्बस इज व्हाट। यह एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा हुआ, मैं करवा रहा हूं आपको, राइट, समझिएगा बार ध्यान से। इसका ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, देख लीजिएगा ऑप्शन, यह चार ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या कह रहा है इसकी, देखिए एक रोम्बस है, रोम्बस का मतलब जानते होंगे अच्छे से, रोम्बस का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर तो होता ही होता है, यह मैंने बताया था आपको। यह और इसके डायगोनल्स देखिएगा, यह डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यह इसके बराबर और यह इसके बराबर होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और समांतर होती हैं। ठीक है, वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में होता है गाइस सब कुछ वही होता है, बशर्ते यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है, लेकिन यहां पर यह 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा होता है, यानी वर्टिक्स पर 90 डिग्री एंगल नहीं, यह आपको यहां 90 डिग्री बनता है गाइस। इसका नाम हम लोग बोलते हैं रोम्बस, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग समचतुर्भुज। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको सारा चीज़ इसमें करवाया हुआ हूँ, एक बार प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और अच्छे से उसको देखिए, उसके बाद यह देखेंगे और पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा से समझ में आएगा और क्लियर होगा। तो चलिए गाइस हम लोग देखते हैं यहाँ पर यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह एक रोम्बस है, इसका नाम मैंने कुछ दे दिया ABCD व्हाटएवर कुछ भी। अब कह रहा है कि ए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 2π यूनिट, 2π यूनिट यह दिया हुआ पेरीमीटर। तो गाइस आप जानते होंगे कि इसका पेरीमीटर जो होता है, अर्थात देखिएगा ए ए ए ए पेरीमीटर यह हो जाएगा 4a, ठीक है, और 4a का मान क्या दिया हुआ आपका 2π यूनिट, मतलब यह आपको पी में दिया हुआ है। तो गाइस a का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 2π/4, यह हो जाएगा, कोई दिक्कत। मैं जानता हूं कि यह a है, यह a, यह a, चारों भुजा को मैं सम करूं तो 4a हो जाएगा, 4a का मान 2π, तो a का मान 2π/4, अर्थात यह पी बाई हम लोग 2 मेंशन कर सकते हैं। यह क्या निकल गया गाइस, साइड, यह साइड निकल गया। और एक चीज हम यह भी जानते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि इसका डायगोनल जो होता है वह 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, अर्थात कहने मतलब क्या हुआ कि अगर यह मान लीजिए ए बी सी और डी, इस BD की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर है तो यह 6 और यह 6 हो जाएगा, अगर मान लीजिए गाइस यह 16 है तो यह 8 और यह 8 हो जाएगा, मेरा कहने मतलब यह है। ठीक है, तो आप बताइएगा इसकी यह a का मान क्या निकल गया, p/2 निकल गया। अब रही बात कि अगर यह डायगोनल मेरे को मालूम होता, डायगोनल अगर मालूम होता तो काम मेरे लिए आसान हो जाता। तो करते क्या गाइस, मान लीजिए कि अगर यह x है तो ये भी क्या होगा, x हो जाएगा, मैंने इसको मान लिया y तो यह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब बताइए गाइस कि अगर यह 90 डिग्री है और यह a का मान मैं क्या निकाल चुका हूं, p/2, तो मैं यहां पर सिंपली p/2 इसको पुट कर दिया, अर्थात अब बताइए कि यह एक राइट एंगल बन रहा होगा, यह y है, यह x है और यह क्या हो गया p/2। तो आप जानते होंगे गाइस इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में कि p2+v2 होता है क्या, h2, तो उसी प्रकार से यह 90 डिग्री बन रहा होगा, तो 90 के ठीक सामने वाला साइड जो होगा वह कहलाएगा इसका h, अर्थात हाइपोटेनस। मैंने क्या किया गया इसकी p/2 का होल स्क्वायर और यहां पर x2+y2 यह मेंशन कर दिया, समझेगा ध्यान से। तो गाइस अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा p2/4 और यह x2+y2, अगर यहां से 4 हटाएंगे तो यह 4 कहां चल जाएगा, सॉरी यहां पर y2 आएगा, यह y2, इससे अगर 4 से मैं गुना करूं तो p2 का जो मान होगा गाइस वह हो जाएगा 4x2+4y2, कोई दिक्कत, समझेगा ध्यान से कि p2 का मान क्या हो जाएगा, 4 से मैं गुना कर दिया तो यह हो जाएगा 4x2+y2, लेकिन अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं आया। अब एक बात और समझिएगा, इसमें एक चीज और दिया हुआ क्या है, देखिए गाइस, सम एंड द सम ऑफ डायगोनल, सॉरी एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, अर्थात उसके विकर्ण का योग दिया है कितना, n यूनिट दिया हुआ है। तो गाइस अगर ये n यूनिट दिया हुआ है तो
तो आप करते क्या बाबू कि डायगोनल है कितना इसका, यह x x 2x और यह y y 2y, तो आप गाइस 2x plus 2y आप मेंशन कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर गाइस यह y और यह y है तो 2y हो जाएगा और यह x और यह x है तो कितना हो जाएगा 2x, अर्थात 2x plus 2y is equal to, मैं सीधे मेंशन करता हूं क्या, इसको m मेंशन करता हूं और मैंने यहां पुट कर दिया m। कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। अब बताइए गाइस कि यह 2x plus 2y is equal to m है और यहां पर 4x square plus 4y square is equal to p square है, ठीक है। एग्जाम में सीजीएल में यह क्वेश्चंस पूछा हुआ, मेंस में मैं करवा रहा हूं, समझ रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा होगा लेकिन आप समझिए अच्छे से इसको। अब गाइस हम करते क्या है कि दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग करेंगे तो गाइस यह बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यह हो जाएगा प्लस 2ab करेंगे तो 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी के 8, अर्थात 8xy इसको क्या बन जाएगा m स्क्वायर। एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो यह होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2ab करेंगे तो 2 into 2x into 2y 2 दूनी 4 दूनी के 8xy बनेगा, ठीक है जी, वेरी गुड। अब बताइए गाइस यहां पर कि अगर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 8xy कह दिए तो कोई डांट देगा? नहीं डांट सकता, क्यों? क्योंकि देखिए मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, 8xy को मैंने साइड चेंज कर दिया तो यह बन रहा होगा m स्क्वायर माइनस 8xy बन रहा होगा। अब एक चीज देखिएगा गौर से कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान पहले से ही निकाल के आप रेडी हैं क्या, p स्क्वायर, तो गाइस आप यहां पर पुट कर दीजिए p स्क्वायर। और आप बताइए कि गाइस यहां पर यह क्या है m स्क्वायर माइनस 8xy, बोलिए बोलिए, आपको दिख रहा होगा कि इतना के जगह पर मैं पुट कर दिया या p स्क्वायर और यह जो वैल्यू दिया था मैंने एज इट इज उसको लिख दिया, ठीक है जी, वेरी गुड। अब एक बात बताइएगा कि अगर मैं यह लिख दूं कि 8xy को इधर कर दूं, जो माइनस में था इसे आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, और सिमिलरली m स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा क्या आपका p स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा मैं काम करता हूं क्या कि 4 कॉमन निकाल दिया तो यह हो जाएगा 2xy और यह m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है गाइस। और अगर हम 2x अगर y निकाल दिए 2xy तो यह बन जाएगा इधर आ गया तो 1 by 4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, देखिएगा 2xy का मान क्या आ गया 1 by 4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। आपको ऑप्शन में दिखने लगा होगा, देखिएगा ऑप्शन में दिख रहा होगा कि 1 by 4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, मैंने 4 कॉमन इसलिए लिया था गाइस कि मेरे को दिख रहा था यहां पर कि m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर है, लेकिन यहां पर देख पा रहे होंगे आप कि सब में आपको 4 4 1 by 4 दिख रहा हुआ था, इसलिए मैंने 4 यहां पर कॉमन निकाला। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर आप कैसे मालूम चलता है कि आपको यहां पर 4 ही कॉमन निकालना है, तो गाइस मेरे को मालूम कहां चलता है, यह ऑप्शन से मालूम चलता है कि यहां पर देखिएगा सब में आपको 1 by 4 रखा था तो मैंने यहां पर 4 कॉमन निकाल दिया और यही 4 जो है गाइस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 1 by 4। अब लेकिन रही बात कि यह जो वैल्यू निकला है वह 2xy का वैल्यू है, 2xy is equal to 1 by 4 m square minus p square, लेकिन आपको गाइस कह रहा क्या कि देन एरिया ऑफ रोम्बस इज व्हाट, रोम्बस का एरिया क्या होगा, रोम्बस का एरिया क्या होगा, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, देखिएगा मैं करता क्या होगा इस यहां पर, सॉरी, अगर रोम्बस का एरिया निकालना हो आपको तो आप सीधे यहां लिख लीजिएगा, देखिएगा मैं लिख देता हूं यहां पर एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस आप जानते होंगे 1 by 2 d1 into d2 होता है, आप जानते हैं इस चीज को कि 1 by d1 into d2 होता है, ठीक है जी। आप बताइए कि 1 by 2 d1 मतलब क्या, यह x और यह x क्या हो जाएगा 2x, बोलिए हाँ ना, और d2 यह y और यह y क्या हो जाएगा 2y, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट तो बचा क्या आपका, देखिएगा यह बच गया क्या गाइस 2xy, देखिएगा 2 से गुना करें x में तो यह हो जाएगा 2xy, क्या निकल रहा है एरिया, और यह 2xy का मान पहले से निकाल के रेडी है क्या, देखिए गाइस यहां पर 1 by 4 m स्क्वायर माइनस क्या दिया p है p स्क्वायर, और यह क्वेश्चन का आंसर हो गया। ध्यान से देखिएगा मैंने आपको 2xy पहले निकाल दिया, अब मैंने बताया क्या कि एरिया ऑफ रोम्बस अगर निकालेंगे तो मैं जानता हूं कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है हमेशा गाइस वो क्या होता है 1 by 2 d1 into d2 होता है। अब बताइए गाइस कि d1 का जो मान है यह x और x क्या हो जाएगा 2x और d2 का जो मान है y और y क्या हो जाएगा 2y, देख पा रहे होंगे अब यह 2-2 कट गया तो क्या बचेगा 2 into xy 2xy, जो कि 2x का मान 2xy का मान पहले से आके रेडी है कितना 1 by 4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है जी। तो आप एक बार इसको अच्छे से देखिए समझिए और हम लोग बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, ठीक है, गुड।
चलिए यह होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज का। देखिए गाइस यहां पर क्या रखे अब कि वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक, वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक व्हिच इज 200 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर वाइड थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.3 मीटर इनटू 0.2 मीटर एट द स्पीड ऑफ क्या दिया है गाइस 20 किलोमीटर पर आवर राइट ईयर देन द टाइम इन आवर्स में निकालना आपको फॉर द वाटर लेवल इन द टैंक टू रीच 8 मीटर इस कह रहा क्या पहले समझे ध्यान से कि गाइस यह एक मान लीजिए कि एक टैंक है, मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। मान लीजिए गाइस यह एक टैंक है, टैंक यहां पर मैं बना दिया आपको, यह एक टैंक है ठीक है। अब इसकी जो लंबाई दी रखी है कितना 200 मीटर लंबा है यह, और इसका जो चौड़ाई दिया हुआ है आपको कुछ ऐसा बना देता हूं मैं आपको गाइस यहां पर थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा इस प्रकार से यह 200 मीटर और चौड़ाई कितना इसका 150 मीटर और इसमें आपको टैंक में कोई आपको वाटर फ्लो हो रहा है पाइप के थ्रू। मान लीजिए गाइस यह पाइप है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 0.3 मीटर और 0.2 मीटर यह चौड़ा हो गया आपका और इसका जो स्पीड है क्या है गाइस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें पानी आपको आ रहा है, इसमें आपको पानी आ रहा है, यह पानी का फुहारा है, यह कह रहा है इसका स्पीड क्या गाइस दिया है 20 किलोमीटर पर आवर यह है। तो गाइस कितने समय में देन द टाइम इन आवर्स फॉर द वाटर लेवल इन द टैंक टू रीच 8 मीटर, तो कितने समय में इसका जो लेवल है वाटर का यह 8 मीटर ऊंचा हो जाएगा यह कह रहा है। तो क्वेश्चन समझ चुके होंगे आप लोग, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग खासकर एग्जाम हॉल में। तो गाइस आप बताइएगा कि टैंक का जो इसका वॉल्यूम अगर दिखा हुआ तो टैंक में आपको 200 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है 150 और इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो कितना कह रहा है गाइस 8 मीटर है तो यह 8 मीटर आ जाएगा। यह एक्चुअली यह क्वेश्चन क्यूवाइड का आ जाएगा, यह वॉल्यूम में चला जाएगा। खैर यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल गया था मेरे को तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया, एक्चुअली यह 3D का क्वेश्चन है राइट। देखिएगा 200 मीटर लंबा है यह आपको चौड़ा और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है पानी के लेवल जो है दिया कितना दिया 8 मीटर यह दिया हुआ। अब गाइस जो पानी आ रहा जिसके थ्रू उसकी लंबाई क्या दिया हुआ क्रॉस सेक्शन का 0.3, अब यह 0.2। अब यहां पर देखिएगा कि 20 किलोमीटर पर आवर अर्थात कहने मतलब क्या हुआ कि 20 किलोमीटर क्या 20 × 1000 यह हो जाएगा, एक घंटा में कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर जाएगा। तो गाइस 20 × 1000 कर दिया यह हो गया 1000, यह कितने घंटा में एक घंटा में, तो ऐसे कितने घंटा लगेगा तो मैंने इसको टी से मेंशन कर दिया। क्या गाइस से मेंशन किया टी से, अब यही टी का मान मेरे को निकालना है। तो गाइस अगर पॉइंट हटाया यहां पर तो यहां पर 10 हो जाएगा, यहां पर पॉइंट हटाया तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि यह एक और एक 20 यह 20 कैंसिल आउट। तो गाइस अगर टी का मान निकालना है तो 200 × 150 × 8 कर दिए, अब देखिए नीचे क्या आ गया 3 और यह 2, अब यह कितना है 20 × 2 मतलब कितना 200, यह 200 और 200 कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है जी, वेरी गुड। अब देखिएगा 2 × 6 = 8 हो जाएगा और 3 × 5 = 15 यह सॉरी 3 × 5 = 15 यह हो जाएगा इस, तो 50 × 6 कितना आ जाएगा 200 यह हो जाएगा आवर्स 200 आवर्स और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैंने क्या किया देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपको यह 200 कट गया, 50 × 150 2 × 6 = 8 50 × 6 = या 200 आ जाएगा और 200 आवर्स यही क्वेश्चंस का इसका आंसर ऑप्शन में है कहीं पर, ये इसका आंसर होगा दैट इज आंसर ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस था, कुछ नहीं करना था, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यह होगा अगला क्वेश्चन हम लोग का, देखिएगा यह कह रहा क्या गाइस कि इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द टू पॉइंट्स ऑन द साइड एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली, देख पा रहे होंगे सो दैट डीई एंड बीसी एंड एडी बाई डीबी, देखिए डी और बीसी क्या दिया पैरेलल्स दिया हुआ है एंड एडी बाई बी डी इक्वल टू 2/3 देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डीईसीबी एंड द एरिया ऑफ एबीसी। गाइस एक्चुअली यह जो क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री का है लेकिन ये मेंशन में करके आपको पूछा गया है एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया थोड़ा हमको गौर करना चाहिए। आइए देखिए गाइस यहां पर कह रहा है क्या कि यह एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एज ज्योमेट्री में सब चीज करवाएंगे आपको, एबी से एक ट्रायंगल है। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से कह रहा है क्या कि डीई पैरेलल टू बीसी और डी और कह रहा क्या कि डी एंड ई ऑन द साइड ऑन टू पॉइंट ऑन द साइड एबी एंड एसी, मतलब गाइस यहां पर डी हो गया और यहां पर ई हो गया।
अब यहाँ पर DE और BC जो है वह एक दूसरे के पैरेलल्स में है, मतलब यह क्या हो गया, पैरेलल हो गया, DE पैरेलल टू BC, यह बोल रहा है DE पैरेलल टू BC, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। आप अगर यह दिया हुआ है तो आपको मालूम होगा गाइस कि यहाँ पर हम सीधे कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE और सिमिलर ट्रायंगल ABC, ABC। अब यह सिमिलर कैसे होता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हम ज्योमेट्री में दे रहे होंगे, लेकिन फिलहाल समझिएगा इसकी, देखिएगा यह एंगल और यह एंगल बराबर होगा, यह एंगल और यह एंगल बराबर होगा, ठीक है जी। और यह तो दोनों में आपको कॉमन है, चाहे ADE ले चाहे ABC ले, मतलब यह एंगल आपका क्या हो जाएगा, सभी में बराबर होगा ये वाला। तो गाइस इस आधार पर हम सीधे कह सकते हैं क्या कि ADE और ABC क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको यह जानना होगा कि गाइस अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो मैं सीधे कह सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखिएगा, अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है गाइस तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत बोले तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो वर्गों का एक रेशियो जो होता है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात सेम अनुपात में होता है। तो गाइस ADE, ADE by में ABC मैं लिया हूं, तो संगत भुजा मतलब क्या, AD बटा में AB लेंगे हम लोग, AD बटा में AB इसका स्क्वायर करेंगे, या हम अगर यह कहेंगे कि AE तो आप AE भी ले सकते हैं, AE बटा में AC का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, या DE by में BC कर सकते हैं, या DE by में BC का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो गाइस यह एक्चुअली ज्योमेट्रिकल फैक्ट है, लेकिन आपको इतना में ही काम चल जाएगा, यही दो फैक्ट में आपको काम चल जाएगा। तो आप बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो AD का जो वैल्यू होगा गाइस ये आपको दिया हुआ, देखिएगा AD कितना है, दो, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना आपका दो है, और BD कितना है गाइस, यह तीन है। तो आप बताइएगा कि AD by में AB बोल रहा है, तो AD है कितना गाइस, ये दो दिख रहा होगा तो मैंने यहां पर दो पुट कर दिया, और AB दिख रहा होगा तो यह दो और यह तीन, मतलब दो और तीन कितना, पांच, इसका क्या बोल रहा है स्क्वायर, तो मैंने यह कर दिया स्क्वायर, अर्थात दो का स्क्वायर क्या आ जाएगा, चार, और पांच का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पच्चीस, कोई तकलीफ किसी को नहीं। अब यह आपको समझने वाली बात क्या है कि गाइस यह ADE मतलब इसका एरिया कितना निकल गया, देखिए ध्यान से, इसका जो एरिया निकला वह निकला कितना आपका, चार के रेशियो में है, और यह ABC मतलब यह पूरा का पूरा अगर ट्रायंगल कर लेंगे हम लोग गाइस, पूरा ट्रायंगल तो यह कितना है आपका, पच्चीस है, यह पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना है, पच्चीस। अब बताइएगा कि पूरा ट्रायंगल का एरिया अगर 25 है और यह ऊपर ट्रायंगल का एरिया 4 है, तो यह जो बच रहा होगा रिमेनिंग वाला, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 25, यह पूरा है 4 इतना है, तो यह बचा हुआ कितना, 21। अब बताइए, हाँ या ना, अगर पूरा ट्रायंगल का एरिया अगर गाइस 25 है और यह आपका 4 है, तो बचा कितना रिमेनिंग, 21। अब पूछ रहा आपसे क्या, देखिएगा पूछा क्या था आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ पाइलेटरल ट्रेपेजियम दिया था, सॉरी ट्रेपेजियम DECB, तो यहां लिख देंगे हम लोग ट्रेपेजियम कौन सा, DE, ट्रेपेजियम DECB और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि यह आपको जो रेशियो दिख रहा होगा यह कितना है, 21 का, यह कितना है गाइस, 21 का, और यह पूरा का पूरा अगर देखेंगे हम लोग ABC का, तो यह 21 स्टार कितना हो गया, 25 का, यह हो गया 21 बटा 25। अब रही बात ऑप्शंस का, तो ऑप्शन देखिए कहां पर है, यह आपका देख पा रहे होंगे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब लोग अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का, द रेशियो ऑफ द लेंथ of a, of the parallel sides of the trapezium is 3:2. The shortest distance between them is 15 cm. If the area of trapezium is 450 cm square, find the sum of length of the parallel sides. Questions क्या कह रहा है कि guys एक parallel sides है, देखिए ध्यान से, sorry parallel यानी कि trapezium दे रहा ना, हाँ trapezium बोल रहा है, ये मैंने बना दिया trapezium, और ये बोल रहा है कि if the ratio of the length of the parallel sides of trapezium is 3:2, अर्थात बड़ा वालों को मैंने 3x कह दिया और छोटा वालों क्या कह दिया, इसको 2x कह दिया, 3 और 2 नहीं पुट कर सकते क्योंकि रेशियो में दिया है, तो मैंने इसको कर दिया 3x और ये हो गया 2x, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब ये कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर, अब इन दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है गाइस, यह आपको दिया हुआ है कितना आपका,
तो यह दिया गया 15 सेंटीमीटर, यह दिया है 15 सेंटीमीटर, यह कह रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या आपसे, इफ द सॉरी दिया हुआ इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात एरिया आपको दिया हुआ है। तो आप जानते होंगे गाइस कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है कि 1/2 L + M × H। अब L और M क्या है, तो L और M होता है गाइस पैरेलल साइड्स को मेंशन करते हैं, या पैरेलल साइड्स जो भी रहेंगे उनको हम सम करेंगे, सम और पैरेलल साइड्स, और इनटू इन दोनों पैरेलल साइड्स के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसका हम लोग एस से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, अब देखिएगा 1/2 L M, L प्लस M, तो गाइस ये 3x हो गया और ये कितना हो गया 2x, तो 3 × 2 कितना हो गया 5x, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 5x। और H, H आपको गिवन है ऑलरेडी कितना 15 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड। अब यही देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमेशा आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया इस क्वेश्चन में क्या कि 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हो रहेगा, यह 450 सेंटीमीटर स्क्वायर यह दिया हुआ है। ठीक है जी, तो अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे इसको तो यह आपका कट पा रहा होगा इस तरह से, देखिएगा 450 × 2 मतलब कितना आ जाएगा, सीधे मैं 900 लिख दे रहा हूँ, यह हो जाएगा 900 और यहां पर आ जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 5 × H = x। देखिएगा टाइम से 450 मैंने गुना किया 200 से, कितना 900 आ जाएगा, अब 15 और 5 नीचे आ जाएगा क्योंकि इसमें x लगा हुआ, तो यह कट जाएगा कितने बार में 15 × 96, यह कट जाएगा और 5 × 60, यानी कि हम सीधे मेंशन कर सकते हैं x का मान कितना हो गया 12, x का मान किया आ गया 12। आपसे क्या पूछा था गाइस कि फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, यह कह रहा है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड अगर देखेंगे तो 3x + यह कितना हो गया 2x, यानी कि 5x, और गाइस x का मान आपको मालूम चल गया कितना है 12, तो 12 से गुना कर दीजिए, 12 × 5 कितना आ जाएगा 60, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चेक कीजिए ऑप्शन में A, B, C, D, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यह रहा आपका अगला क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्या कर रहा है देखिए ध्यान से गाइस, कह रहा क्या कि द लेंथ ऑफ एच साइड प्रत्येक भुजा ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, यह कह रहा हुज डायगोनल इज 40√2 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इन द रेशियो, क्या दिया है 3:4, गौर से देखिएगा 3:4 कह रहा है, देन इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज, ऑप्शन यहां पर आपको दिया A, B, C, D, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार गौर कीजिएगा गाइस, यह कह रहा है कि एक रोम्बस मान लीजिए, यह है रोम्बस, मैं छोटा स्पीकर बनाता हूं, यार रोम्बस हो गया, और एक फिगर बनाता हूं, यह एक वर्ग का फिगर बनाता हूं, यह एक वर्ग है, यह रोम्बस और यह एक वर्ग है। अब कह रहा क्या कि द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब जितना आपका इसका जो साइड होगा उतना ही आपका इसका साइड होगा, कहने मतलब क्या हुआ कि जितना अगर वर्ग का जो साइड होगा वही साइड किसका होगा रोम्बस का होगा। ठीक है, अब रही बात कि यहां पर दिया होगा हुज डायगोनल इज 40√2 सेंटीमीटर, यहां पर किसका इस वर्ग का विकर्ण आपको गिवन है, तो यह कितना आ गाइस दिया हुआ है 40√2, अर्थात डी का मान 40√2 है। मैं जानता हूं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वह होता है √2a और यह हो गया 40√2, तो गाइस a का जो मान होगा यह रूट और रूट टू कैंसिल आउट, तो a का मान कितना हो जाएगा 40, अर्थात इसका प्रत्येक भुजा निकला कितना आपका 40 का। अब यह कह रहा है कि जितना वर्ग का जो साइड होगा वही साइड किसका है रोम्बस का है, तो गाइज यह जो साइड होगा वह किसका होगा रोम्बस का होगा, यह हो जाएगा रोम्बस का। मैं थोड़ा सा साइड को बड़ा कर लेता हूं, इसको ये थोड़ा बड़ा कर लेते, देखिए गाइज यह आपका रोम्बस में बना दिया आपको इस प्रकार से। ठीक है, यह आपका 40, जितना इसका साइड होगा उतना इसका भी साइड होगा, 40 हो जाएगा। अब मैं जानता हूं गाइज कि रोम्बस में, सॉरी ये अच्छा से नहीं होता, कोई बात नहीं, देखिएगा रोम्बस में क्या होता है गाइज कि इसको यह डायगोनल जो होते हैं आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं, यह जितना होगा उतना ए भी होगा, जितना यह होगा उतना ए भी होगा यह। अब यहां पर देखिएगा, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशियो 3:4, अर्थात कहने मतलब क्या हुआ कि गाइस अगर यह 3x है तो यह क्या हो जाएगा 4x, तो अगर यह 4x हो जाएगा गाइस तो मैं इसको 2x कह देता हूं, और यह 2x मैं इस डायगोनल को देख पा रहे होंगे, इसको मैं मेंशन कर सकता हूं 3x और इसको कर दिया 2x, अर्थात यह अगर 4x है तो यह 2x हो जाएगा यहां से यहां तक, और यह हो जाएगा 2x,
उसी प्रकार से यह हो जाएगा इस 3x बाई 2 और यह हो जाएगा 3x बाई में 2 हो जाएगा, यह 3x बाई 2 हो जाएगा। अब जस्ट मैंने बताया था गाइस कि आप अगर ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा होगा तो P, B और इसको आप H कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो गाइस इसका हम लोग काम करें तो यह हो जाएगा 2x का स्क्वायर और यह हो जाएगा 3x बाई 2 का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा 40 का स्क्वायर, मतलब कितना 40 का स्क्वायर मैंने कह दिया, यह दिख पा रहा होगा, ठीक है जी। अब देखिए दो कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और यह हो जाएगा 9x स्क्वायर बाई में 4 और 4 चौके 16 अर्थात यह हो जाएगा 1600, ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इधर हम लोग इधर आते हैं तो गाइस देखिएगा अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं इसको तो यह हो जाएगा 4 चौके 16 और 9 25, मैं सीधे लिख सकता हूं 25x स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा 4 को मैं सीधे यहां पर गुणा करता हूं 16 चौके 64, सीधे एक ही बार मैं लिख देता हूं यह हो जाएगा 6400। क्यों? क्योंकि आप इस कैल्शियम निकालेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 9 25x² बटा 4, उस 4 को मैंने सीधे गुणा कर दिया किसमें 1600 में, तो 1600 गुणा 4 करें कितना हो जाएगा 6400। अब देखिए इसकी आप अगर यहां पर x का मान निकालते हैं तो x स्क्वायर का मान 6400 बटा में क्या आ जाएगा 25, तो सिर्फ x का जो मान हो जाएगा वह 6400 बटा में 25 अर्थात कितना, आप इसको काम कीजिए कट कर लीजिए इसको, सबसे अच्छा रहेगा इस 6400 को, क्या आप ऐसे कर सकते हैं 64 × 100, बोलिए हाँ या ना, 6400 को आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप कट भी करना चाहते हैं तो भी आप इजीली कट कर सकते हैं इसको, यह करें कितने बार में 4 बार में, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 और 4 का कितना हो जाएगा 2, तो 8 × 2 = 16 इसका मान निकल गया, x का मान निकला। आप चाहते तो इसको डिवाइड भी कर सकते थे लेकिन मैंने क्या कर दिया गाइस कि देखिए 64 को मैंने ब्रेक कर दिया, 64 × 100 कर दिया, 6400 ही होगा। अब 25 चौके 100 कट गया, 64 का वर्गमूल 8 हो गया, 4 का 2 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया 16, यह आपने मेंशन कर दिया कितना 16 लिख दिया, ठीक एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसको मैंने 16 कह दिया। अब क्या पूछा था आपसे, क्या पूछा था देख लीजिएगा, देन द एरिया किसका, इस रोम्बस का एरिया निकालना है, इस रोम्बस का एरिया निकालना है। तो मैं जानता हूं गाइस कि रोम्बस का जो एरिया होगा वह निकालने के लिए आपको पता होगा कि 1/2 d1 × d2 यूज करते हैं, 1/2 d1 × d2 किसका, रोम्बस का। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग गाइस कि एरिया ऑफ रोम्बस इज 1/2 d1 × d2, तो 1/2 d1 कितना हो जाएगा 2x और 2x कितना 4x, ये तो मालूम ही है आपको, और यह हो जाएगा 3x, यह हो जाएगा 3x। अब बताइए गाइस कि x का मान कितना आपका 16 है, 16 तो आप सीधे मेंशन कर देंगे 1/2 16 चौके 64 हो जाएगा और 16 × 3 = 48, यह हो जाएगा 48, यहां पर 48 हो जाएगा क्योंकि x का मान 16 दिया था, मैंने सीधे पुट कर दिया 16 × 3 = 48 16 चौके 64, यह हो जाएगा 1/2 d1 × d2। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा कितनी बार में 32 × 64, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे थोड़ा गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 48 × 32 कर लीजिएगा, 48 × 32 अगर करेंगे इस तो यह हो जाएगा 8 × 16 = 6 4 × 8 = 96 आ जाएगा, और इसका गुना करेंगे 3 × 24 = 4 2 4 3 = 12 और 2 = 14, यह हो जाएगा 3 × 24 = 4 2 4 3 = 12 2 14, सही है ये 6 9 4 13 3 14 और 1 15, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन है कहीं पर देखिएगा 1536 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर आंसर्स। ये तो आपने इसमें क्या किया, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ए सम ऑफ ₹1000 वाज स्पेंट टू मेक द ग्राउंड यूजेबल एट द रेट ऑफ ₹25 पर स्क्वायर मीटर, द ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड इज 50 मीटर, इफ द लेंथ ऑफ द ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 20 मीटर, What will be the expenditure in rupees at the same rate of per meter square meter? ये बोल रहा है same rate per square meter, ये questions को समझिए ध्यान से, questions क्या कह रहा है मैं एक बार फिर clear करना चाहता हूँ इसको। देखिए कह रहा क्या कि a playground is in the shape of rectangle, मतलब एक playground जो है वह rectangle shape में है, आयताकार shape में है, ठीक है जी, very good। A sum of ₹1000 was spent to make the ground usable at the rate of 25 paise per meter square, यह कह रहा है मतलब इस प्ले ग्राउंड को थोड़ा मरम्मत किया जाता है, ठीक किया जाता है ताकि हम इसको यूज कर सके। A sum of rupees कितना 1000 रुपया खर्च किया गया, किस रेट से 25 paise per square meter, मतलब एक मीटर स्क्वायर में पैसा कितना लग रहा है 25 paise लग रहा है, ठीक है, पैसा कितना लगाया मैंने 1000 रुपया लगा चुके इस पर, इस रेट के माध्यम से। द ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड इज 50 मीटर, इसका जो ब्रेथ है वह कितना है 50 मीटर है, यह 50 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 20 मीटर, यदि
पहले इसका क्या दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि अब इसकी जो लंबाई है अगर 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर एट द सेम रेट पर स्क्वायर मीटर, यह कह रहा क्वेश्चन में। गाइस इसका पहले इसका साइड क्या दिया हुआ था यह मालूम हम लोग को नहीं है, लेकिन यह जरूर मालूम है कि जब मैंने इसको बराबर किया, इसको यूज करने लायक बनाया तो खर्च कितना आया 1000 रुपया। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि गाइस देखिएगा, पहले अगर आप जान रहे हैं कि इसका ओल्ड एक्सपेंडिचर आपको दिया है कितना आपका 1000 रुपया, मतलब पहले इसका लंबाई कुछ भी रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, नहीं हमको याद निकालने की जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत है। देखिए ओल्ड एक्सपेंडिचर कितना दिया है 1000 रुपया। अब बताइए कि इसका जो ब्रेथ दिया हुआ है यह दिया कितना गाइस 50 मीटर, यह दिया कितना 50 मीटर, लेकिन अब बता रहा क्या कि इसकी चौड़ाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को सॉरी लंबाई को इसका 20 मीटर मैंने बढ़ा दिया, तो 20 मीटर ना बढ़ेगा, जितना बढ़ाएंगे उतना पैसा ज्यादा लगेगा। तो यह चौड़ाई आपको दिया हुआ था, लंबाई को बोल रहा है कि 20 मीटर से बढ़ा दिया जाता है, तो मैंने इसको 20 से बढ़ा दिया। अब बोल रहा है कि सेम रेट, वही रेट से, रेट कैसा दिया 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर यह बोल रहा है, तो गाइस 25 पैसे मतलब कितना 1/4 रुपया, 25 पैसे का मतलब जानते होंगे कि 25/100 मतलब कितना 1/4, मैंने 1/4 से गुना कर दिया। तो गाइस जब इसको कट करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 50 × 5 यानी कितना आ जाएगा 250 रुपया। अब बताइए कि पहले से आप कितना पेमेंट कर रहे थे 1000 रुपया, तो आपको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा इसका एक्स्ट्रा पेमेंट, तो 1000 + 250 क्यों एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि इसका लंबाई जो था पहले से 20 बढ़ा दिया गया है, उसकी वजह से कितना देना पड़ रहा मेरे को 250 रुपया। तो 1000 + 250 कितना आ जाएगा 1250, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए ऑप्शन चेक कीजिएगा, ऑप्शन कहां पर है, फर्स्ट ही ऑप्शन, फर्स्ट ही आंसर इसका मैच हुआ फर्स्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी होगा, इसको बनाएंगे तो और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सबसे अगर शॉर्ट देखा जाए तो यही इसका शॉर्ट होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यह क्वेश्चन देख पा रहे हैं गाइस, यह कह रहा क्वेश्चन में क्या कि द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3:4:5, साइड का रेशियो दिया हुआ एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 72 स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट में दिया हुआ, राइट। देन द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच पेरिमीटर इज सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस ट्रायंगल इज, क्या होगा ऑप्शन देखिएगा, चार ऑप्शन ए बी सी डी, ये कह रहा है। मैं इसको हिंदी में थोड़ा समझाना चाहता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए यह एक ट्रायंगल है जिसको मैंने यह मेंशन कर दिया, यह 3x, यह 4x और यह हो गया 5x, ठीक है। इसका जो एरिया है इसका देखा, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3:4:5 एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 72, इसका जो एरिया है वह कितना है 72 है, यह है, ठीक है। अब यहां पर क्या रहा क्या कि देन द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यह मैंने बना दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सही भुजाएं क्या होती हैं बराबर, इसका क्या होगा व्हिच पेरिमीटर इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस ट्रायंगल, मतलब इसका जितना पेरिमीटर है उतना पेरिमीटर इसका है, अर्थात मैं सीधे कह सकता हूं क्या कि गाइस 3a का मान आपको बोल रहा है कि 5, 4, 9, 3, 12x, यह आपको मेंशन है कि जो आपका समबाहु त्रिभुज बन रहा है उसका पेरिमीटर यानी उसका परिमाप इसके पीछे वाले मतलब क्या, यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल का पेरिमीटर के समान है। देखिए मेंशन किया द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यह क्या होगा फाइंड करना है, व्हिच पेरिमीटर इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस ट्रायंगल, यह मेंशन मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यह बात बताइएगा कि गाइज ये 3, 4, 5 तो आप सीधे समझते हैं कि यह ट्रिपलेट फॉर्म बन रहा होगा, यह 3, 4, 5 तो क्या बनेगा ट्रिपलेट फॉर्म, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल का साइड को शो कर रहा होगा। तो अब इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस कितना है इसका मैंने 3x और यह ले लिया 4x, यह हो गया, और इसका एरिया दिया हुआ कितना गाइस 72, यह लिख दिया मैंने 72, यह हो गया। तो यह कट जाएगा कितने बार में, यह हो जाएगा गाइस 2×3 = 6x² = 72, तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा, यह आ जाएगा 12, यह चूंकि यहां से कट जाएगा 12 × 6 = 72, तो x का जो मान आएगा वह आ जाएगा 2√3, यह x का मान क्या आ जाएगा 2√3। आपको मालूम होगा कि गाइस x का जो मान निकाल रहे होंगे आप, यह करना पड़ेगा आपको √12 करना पड़ेगा, तो 12 को हम सीधे आप इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं, अर्थात 2√3, यह हो गया किसका x का मान आ गया,
x क्या है गाइस यहां पर, तो इसका आप देख रहे होंगे, इसका देख पा रहे होंगे इसका साइड का रेशियो दिया है x x x, ये x निकल गया। अब यहां पर पहले ही मेंशन किया हुआ कि जो 3a है, 3a है वो 12x के बराबर है, मतलब पेरिमीटर के बराबर है। तो गाइस 12x, x कितना है गाइस 2√3, तो यहां पर मेंशन कर दीजिए 2√3, ये हो गया 2√3, ये 3 है ना बाबू, ये 3 है, ये 3 है। तो गाइस अब देखिएगा अगर a का मान निकालेंगे तो 3 चौके 12 यानी कि 4 दुने के 8√3 ये आ जाएगा। यह a क्या है, इस संभव त्रिभुज का साइड निकल गया। और आपसे की पूछा था क्या इसका एरिया, तो मैं जानता हूं कि संभव त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4a² होता है, तो √3/4a² ये है कितना आपका, ये 8√3 का स्क्वायर मैंने कर दिया, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताइए गाइस कि यह √3 यहां √3/4 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो गाइस यह हो जाएगा 16 × 64, 16 × 48 यानी कि आपका जो आंसर आएगा 48√3 या 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देख पा रहे होंगे ऑप्शन में कहीं है 48√3 यानी ऑप्शन नंबर बी, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसमें एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि मैं इसमें क्या किया हूँ, और आज हम लोग इतना ही रखते हैं और इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।